हेलो सीबीएसई स्टूडेंट क्लास 10th 11th 12th, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम एक बहुत बड़ी अपडेट निकलवा कर लेके हैं सीबीएसई की तरफ से क्लास 10th वालों के लिए, 11th वाले के, 12th वाले के। बहुत बहुत बड़ी अपडेट जो है निकल कर सामने आ रही है सभी के सभी बच्चों के लिए। इस साल के अकेडमिक सेशन के लिए 2023 और 2024 वाला जो बैच है उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी जो अपडेट निकल कर आ रही है सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, वो जो खबर है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, विद प्रूफ आपके साथ शेयर करूंगा। और कुछ हद तक वो अच्छी खबर भी है, कुछ हद तक वो बुरी खबर भी है। कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छी खबर होगी, कुछ स्टूडेंट के लिए वो बुरी खबर होगी। तो सबसे पहले वो उस बात को शेयर करते हैं कि वो बात है क्या एक्चुअल में। तो सबसे पहले हमारे पास जो अपडेट निकल कर आ रही है 12th के लिए, देश की स्कूली शिक्षा में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से एक विशेषज्ञ पैनल नियुक्त किया गया है। विशेषज्ञ पैनल की तरफ से साल में 2 बार बोर्ड परीक्षा और 12वीं कक्षा के लिए एक सेमेस्टर प्रणाली की सिफारिश करने की संभावना की है। यानी कि साल में जो है वो 2 बार आपके बोर्ड एग्जाम होने को जो है वो सिफारिश की गई है। उसके लिए मांग रखी गई है कि साल के अंदर 2 बार एग्जाम हो। जैसे अभी आपका एग्जाम सिर्फ 1 बार होता है फेब या मार्च के अंदर, लेकिन अभी साल में टर्म वाइज, जैसे हम कह लो टर्म 1 टर्म 2 के लिए सिफारिश की गई है। उसके बाद हमारे पास क्या है, इसके अलावा एनसीएफ का मानना है कि बोर्ड परीक्षा को एक नहीं बल्कि साल में कम से कम 2 बार आयोजन किया जाना चाहिए। एनसीएफ यह भी सिफारिश करता है कि छात्रों को इस बात का ऑप्शन दिया जाना चाहिए कि वो किस सब्जेक्ट की परीक्षा पहले और किस सब्जेक्ट की परीक्षा दूसरी बार देना चाहते हैं। तो मतलब आप स्टूडेंट के लिए ऑप्शन दिया जाएगा कि पहले तो उनका मानना है कि हम ये सिफारिश कर रहे हैं कि साल के अंदर जो है वो सब्जेक्ट वाइज जो टर्म वाइज जो है वो पेपर होने चाहिए। टर्म 1 में पेपर हो, फिर टर्म 2 में पेपर हो, इकट्ठे पेपर जो है वो नहीं होने चाहिए। अगर टर्म वाइज भी पेपर होते हैं तो उसमें जो स्टूडेंट को जो है खुद इच्छा होनी चाहिए, खुद स्टूडेंट से खुद पूछा जाना चाहिए कि आप टर्म 1 में पहले कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, फिर टर्म 2 में कौन से सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं। फिक्स नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप की जो है वो मांग रखी जा रही है। इसके अलावा दूसरी जो हमारे पास अपडेट निकल कर आ रही है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। NCFFS का कहना है कि स्टूडेंट को इस बात की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए कि जैसे मैंने आपको बताया किस बात की स्वतंत्रता कि टर्म 1 में आप कौन सा पहले पेपर देना चाहते हो, टर्म 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स के पेपर देना चाहते हो, कि वो किस सब्जेक्ट के एग्जाम पहले और किस सब्जेक्ट के एग्जाम दूसरी बार में देना चाहते हैं। यानी कि स्टूडेंट अपनी सुविधा के अनुसार उन एग्जाम को पहले दे पाएंगे जिनकी तैयारी वो पहले कर चुके हैं। यानी कि जिस हिसाब में आप जिस सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, सेटिस्फाइड हो, जिनकी तैयारी आपको ज्यादा अच्छे से लगती है या फिर चाहे वो टफ है चाहे वो इजी, उनको स्टूडेंट को स्वतंत्र आजादी दी जानी चाहिए। स्टूडेंट खुद चॉइस कर सके कि हमें इस सब्जेक्ट्स का जो पेपर है वो टर्म 1 में देना है और इन सब्जेक्ट्स का जो पेपर है वो टर्म 2 में देना है। यह पैनल कई स्कूल बोर्ड में कक्षा 11वीं और 12वीं में आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस को अलग करने की वाली प्रक्रिया की बजाय साइंस और ह्यूमैनिटीज के मिश्रण की भी सिफारिश कर सकता है। मतलब कुछ सब्जेक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं, मिश्रण भी कर सकते हैं कि कुछ हम सब्जेक्ट्स जो है वो आर्ट्स वाले पिक कर लें और आर्ट्स वाले जो है दूसरे सब्जेक्ट्स पिक कर लें। तो इस तरह से मिक्सअप करके भी आप अपने सब्जेक्ट की जो सूची है, लिस्ट है वो बना सकते हो। तो इसके अलावा हमारे पास एक और लास्ट जो अपडेट निकल कर आ रही है, अगली अपडेट शेयर करने से पहले सबसे पहले मैं 10th वाले बच्चों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि इस साल का जो वेटेज है 2023 और 2024 का वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। किस चीज का, एमसीक्यू का। तो हम के एक एमसीक्यू जो है सीरीज शुरू करने वाले हैं मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स के अंदर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चों से मैंने डिस्कस भी किया है, उनका मानना है कि सर बाकी तो हमारी जो है साइंस हो जाती है, एसएससी होती है, तो हम उसको तो लर्न कर सकते हैं, लेकिन मैथ्स के एमसीक्यू में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। क्योंकि एमसीक्यू का अगर हम एमसीक्यू को सॉल्व करने बैठते हैं तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होता है। और दूसरी दिक्कत क्या है, क्योंकि इस बार एमसीक्यू ज्यादा भी आ रहे हैं। और बाकी में क्या क्वेश्चंस में क्या होता है कि अगर हम एमसीक्यू का करते हैं तो हमें 1 नंबर मिलता है, अगर हम एमसीक्यू को नहीं करते तो हमारा सीधा 1 नंबर उड़ जाता है। वहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो 10 में से हमें स्टेप मार्किंग के, आंसर के, फॉर्मूला के कहीं ना कहीं से हमें नंबर मिल जाते हैं। यानी कि पूरे के पूरे अगर हमारे नंबर नहीं कटते, लेकिन एमसीक्यू में ऐसा नहीं होता। एमसीक्यू में अगर हमारा एमसीक्यू गलत है तो पूरा का पूरा 1 नंबर उड़ जाता है। अगर हमारे 5 एमसीक्यू गलत हो गए तो 5 नंबर सीधे से उड़ गए। तो उस एमसीक्यू की वेब सीरीज को मैं शुरू करने वाला हूँ। इसका लेटेस्ट पैटर्न के थ्रू मैं आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर वो एमसीक्यू अगर आपने कर लिया तो पूरे साल आपको कहीं और से एमसीक्यू करने की जरूरत नहीं है। उसकी आप साथ साथ मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हो, उससे आपका लिखना, समझना सब कुछ क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, जिससे कि बोर्ड के एग्जाम में आपको जाके दिक्कत नहीं आएगी। और सारे के सारे जो एमसीक्यू होंगे वो इंपॉर्टेंट होंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिनिमम से मिनिमम रखेंगे। ऐसा नहीं कि 1000 1500 एमसीक्यू करेंगे, लिमिटेड एमसीक्यू करेंगे, लेकिन उतने ही करेंगे, लेकिन जो सारे के सारे हो इंपॉर्टेंट हो, उसके अलावा हमें कहीं और जाके एमसीक्यू करने की जरूरत ना पड़े। तो अगर वो आप एमसीक्यू की सीरीज मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूं, तो इसके लिए आप मेरी अब छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप वो एमसीक्यू की सीरीज चाहते हो कि मैं शुरू करूं तो आप भी मुझे थोड़ा सा मोटिवेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तो मुझे भी पता चलेगा कि कमेंट करके बता दो मुझे कि यस सर आप शुरू करो, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को सीरीज को करवाना चाहते हो शुरू, तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना।
रिपोर्ट के अनुसार इसके पूर्व अध्यक्ष के की अगुवाई में 12 सदस्यीय संचालन समिति द्वारा तैयार की जा रही सिफारिशों को अपनाने के बाद कक्षा 9वीं और 10वीं के स्ट्रक्चर में भी बड़ा बदलाव होगा। तो 9वीं और 10वीं अगर ये प्रणाली जो है वो लागू होती है तो 9वीं और 10वीं के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि अगर 11, 12 इस कक्षा को इस पैटर्न को फॉलो करेगी क्लास, तो 9, 10 को भी इसी पैटर्न को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन उसमें एक और चीज इन्होंने जोड़ दी, ऐड कर दिया, इसमें स्टूडेंट के लिए 8 पेपर पास करने का नियम बनाया जा सकता है। मतलब इसमें आपको कम से कम 8 पेपर जो है वो पास करने होंगे कम से कम। वर्तमान में सीबीएसई सहित अधिकांश बोर्डों के छात्रों को कक्षा 10वीं में कम से कम 5 विषयों को पास करना होता है, लेकिन अभी जो हमारे पास करंट स्टेटस है कि हमें कम से कम जो है वो 5 सब्जेक्ट को पास करना होता है अगर, लेकिन ये अगर स्टेटस लागू होता है टर्म 1 टर्म 2 वाला, ठीक है, तो उसमें मिनिमम आपको 8 सब्जेक्ट्स को पास करना होगा। कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए समिति एक वार्षिक प्रणाली का सुझाव दे सकती है। तो इस टाइप का जो सुझाव है वो भी एक तरह से बोलता है एनसीएफ, हम जो है केंद्र सरकार को हम दे सकते हैं। गौरतलब है कि यह शिक्षा मंत्रालय द्वारा गठित नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के 4 स्टेज हैं। इसमें फाउंडेशन, प्रॉपर्टरी, मिडल और सेकेंडरी स्टेज शामिल है। सेकेंडरी स्टेज यानी कि कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं के एनसीएफ को लागू किए जाने पर फिलहाल कोई आधिकारिक सूचना जारी की, अभी तक बोलता है इसके ऊपर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, इसके ऊपर मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में या जून के बाद भी इसके ऊपर जो है नोटिफिकेशन आ सकती है कि एक्चुअल में कोई इसके ऊपर जो है एक्शन लिया गया या इसको टाल दिया गया। अभी तक इसके ऊपर कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, लेकिन अगर इसके अलावा कोई नोटिफिकेशन आती है वो डेफिनेटली शेयर करूंगा। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये जो टर्म वाइज पेपर है वो होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, आपका क्या सुझाव है।